Now, question number 5. Evaluate. क्या करेंगे हम? पहले इसे सॉल्व करेंगे root 3 plus root 2 6. Root 3 plus root 2 की power 6. तो इसका जब हम expand करेंगे by a plus b की power n, n c 0, b की power 0, n c 1, a की पावर n माइनस 1, b की पावर 1, n c 2, a की पावर n माइनस 2, b की पावर 2, प्लस n c r, a की पावर n माइनस r, b की पावर r. तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 6 c 0 root 3 की पावर 6, 6 c 1 root 3 की पावर 5. एक पावर कम हो जाएगी और n to root 2 हो जाएगा. 6 c 2 root 3 की पावर 4 root 2 की पावर 2 plus 6 c 3 root 3 की पावर 3 root 2 की पावर 3, 6 c 4 root 3 की पावर 2 root 2 की पावर 4, 6 c 5 रूट 3 की पावर 1 और रूट 2 की पावर 5 हो जाएगा, प्लस आ जाएगा 6 c 6 रूट 3 की पावर 0 और रूट 2 की पावर 6 हो जाएगी. सिमिलरली हम इसे ओपन करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये रूट 3 माइनस रूट 2 की पावर 6 कितना हो जाएगा, 6 c 0 root 3 की पावर 6, 6 c 1 root 3 की पावर 5 माइनस root 3 की पावर 3 और root 2 की पावर 3 प्लस 6 c 4 root 3 की पावर 2 root 2 की पावर 4 माइनस 6 c 5 रूट 3 की पावर 1 और रूट 2 की पावर 5, प्लस आ जाएगा 6 c 6 रूट 3 की पावर 0 रूट 2 की पावर 6 हो जाएगा. उसने ये कहा कि इन दोनों का घटा दें, तो ये आपकी क्या होगी, ये इक्वेशन नंबर 1 होगी और ये इक्वेशन नंबर 2, दोनों को हमने घटा दिया यहां पर, तो कितना हो जाएगा, रूट 3 माइनस रूट 2 प्लस की पावर 6 रूट 3 माइनस रूट 2 की पावर 6 इज इक्वल टू, जब हम इन दोनों को घटाएंगे तो साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये प्लस और ये माइनस, ध्यान दीजिएगा ये माइनस है और ये, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और सिक्स से ये कैंसिल, तो क्या आ जाएगा, टू, कितना आ गया, सिक्स सी वन रूट थ्री की पावर फाइव इंटू रूट टू हो गया. आगे चलते हैं, प्लस हो जाएगा सिक्स सी थ्री रूट थ्री की पावर थ्री और रूट टू की पावर थ्री हो जाएगा, टू हो गए ना, इसको और इसको जोड़कर टू हो गए. इसके बाद सिक्स सी फाइव रूट थ्री की पावर वन और रूट टू की पावर फाइव हो गया. देखिए इसकी वैल्यू कितनी होगी, टू ब्रैकेट में सिक्स इन टू, ये कितना हो गया, थ्री की पावर वन बाई टू है ये, तो ये कितना हो जाएगा, फाइव अपॉन टू इन टू रूट प्लस ये हो जाएगा सिक्स अपॉन थ्री फाइव अपॉन टू फोर अपॉन वन थ्री की पावर थ्री बाई टू इंटू टू की पावर थ्री बाई टू प्लस ये कितना हो जाएगा, देखिए सिक्स सी फाइव और सिक्स सी वन, तो ये हो जाएगा सिक्स अपॉन वन इंटू रूट थ्री इंटू टू की पावर फाइव अपॉन टू. देखिए ध्यान से, ये हो गया सिक्स इंटू
टू से इसे डिवाइड करेंगे तो टू बार जाएगा, यानी कि टू थ्री की पावर टू इंटू थ्री की पावर वन बाई टू, टू की पावर वन बाई टू, ये कैंसिल हो गया, ट्वेंटी इंटू थ्री की पावर वन बाई टू, टू की पावर वन बाई टू, ये थ्री है ना यहाँ पर, तो ये आपका हो जाएगा टू इंटू थ्री की, सॉरी टू की पावर वन बाई टू प्लस ये सिक्स हो गया इंटू थ्री की पावर वन बाई टू इंटू टू की पावर टू इंटू टू की पावर वन बाई टू, ये कितना हो गया 954 इंटू रूट सिक्स हो गया, ये हो गया 120 इंटू रूट सिक्स प्लस ये हो जाएगा 24 इंटू रूट सिक्स, कितना हो जाएगा ये ऐड करेंगे तो 2 इंटू 148 आ गया ये, और ये आ गया 498 रूट सिक्स इज इक्वल टू 396 रूट सिक्स आ गया, दैट इज योर आंसर। प्लीज नाउ सॉल्यूशन नंबर सिक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, हमने एक्स बराबर मान लिया ए स्क्वायर और वाई बराबर हमने मान लिया ए स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, एक्सटेंड करते हैं यहां पर बाई ए प्लस बी की पावर एन, एन सी जीरो, ए टू दी पावर एन एन सी वन, ए टू दी पावर एन माइनस वन बी, एन सी टू, ए टू दी पावर एन माइनस टू बी की पावर टू एंड सो ऑन। यदि यहाँ पर माइनस है तो अल्टरनेट यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये माइनस आ जाएगा एन सी आर ए टू दी पावर एन माइनस आर और बी की पावर आर, लेकिन अगर माइनस है तो यहाँ पर माइनस वन की पावर आर हो गई, पावर फोर है तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर एक्स प्लस वाई पावर फोर, तो फोर सी जीरो एक्स की पावर फोर, फोर सी वन एक्स की पावर थ्री वाई, फोर सी टू एक्स की पावर टू वाई की पावर टू, फोर सी थ्री एक्स टू दी पावर वन वाई की पावर थ्री और फोर सी फोर एक्स की पावर जीरो वाई की पावर फोर, सेम है जैसे अभी क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है। इसी तरीके से एक्स माइनस वाई की पावर फोर, फोर सी जीरो एक्स की पावर फोर, फोर सी टू एक्स की पावर टू, फोर सी थ्री एक्स की पावर वन, दोनों को हम ऐड कर देंगे क्योंकि यहां पर ऐड किया है, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई की होल पावर फोर, एक्स माइनस वाई की पावर फोर, ये भी कैंसिल हो गया आपका और ये भी कैंसिल हो गया, तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा सॉल्व करके टू कॉमन ले लें, फोर सी जीरो एक्स की पावर फोर प्लस फोर सी टू एक्स की पावर टू वाई की पावर टू, फोर सी फोर एक्स की पावर जीरो वाई की पावर, दैट मीन्स टू, फोर सी जीरो क्या हो गया ये वन की बराबर, तो एक्स की पावर फोर ये हो जाएगा सिक्स, एक्स की पावर टू वाई की पावर टू और ये वन हो जाएगा वाई की पावर फोर। अब हम एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर, पुटें तो ये हो जाएगा ए की पावर टू प्लस रूट ए स्क्वायर माइनस वन की होल पावर फोर, ए की पावर टू ए स्क्वायर माइनस वन की होल पावर, तो ये हो जाएगा टू, ए की पावर टू रखेंगे तो ए की पावर टू की पावर फोर सिक्स,
और ये हो जाएगा रूट ए स्क्वायर माइनस वन की पावर टू और प्लस हो जाएगा रूट ए स्क्वायर माइनस वन की पावर फोर। इसे सॉल्व कर लेंगे हम, ये हो जाएगा टू ए की पावर एट प्लस सिक्स इंटू ए की पावर फोर इंटू ए स्क्वायर माइनस वन प्लस, देखिए यहाँ पर वन बाई टू है तो एक पावर कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पर वन बाई टू से फोर कट जाएगा तो टू आ जाएगा ना, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस वन, टू ए टू की पावर एट सिक्स इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ए की पावर सिक्स हो गया और ये हो जाएगा माइनस सिक्स ए की पावर फोर प्लस ए की पावर फोर माइनस टू ए स्क्वायर और प्लस वन हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा ए की पावर एट प्लस सिक्स ए की पावर सिक्स हो जाएगा, ये फोर है और ये भी फोर, तो ये हो गया माइनस फाइव ए की पावर फोर, ये कितना हो जाएगा माइनस टू ए की पावर टू प्लस वन, दैट इज योर आंसर। Find the approximation of this part 3 term. Solution 0.99 की पावर 5 को हम लिख सकते हैं 1 माइनस 0.01 की पावर 5, तो इसे हम लिख सकते हैं 5C0 into 1 की पावर 5 माइनस 5C1 1 की पावर 4 0.01 की पावर 4 1 हो जाएगा प्लस 5C2 0.01 की पावर 2 प्लस एंसर, पहले तीन टर्म हो रहा है इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, ये हो जाएगा 5 इंटू 0.01 प्लस 10 5 अपॉन 2 और 4 अपॉन 1 इंटू 0.0001 इसकी दो बार मल्टीप्लाई करेगी, तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 0.05 प्लस 0.001, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.951, दैट इज योर आंसर। उसने बोला कि पहले तीन नंबर के लिए, पहले तीन टर्म्स के लिए बोला, नाउ सॉल्यूशन नंबर 8, बहुत अच्छा सॉल्यूशन है ये, एन की वैल्यू बतानी है, यदि फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग टू द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड, उनका रेशियो ये दे रखा है इस टर्म का, देखिए ध्यान से, पहले जनरल टर्म लिखते हैं इसका, बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन है ये, तो जनरल टर्म के लिए क्या हो जाएगा टी आर प्लस वन इज इक्वल टू एन सी आर ए टू दी पावर एन माइनस आर और बी की पावर आर, तो फिफ्थ टर्म फ्रॉम द क्या बोला फ्रॉम द बिगिनिंग, तो फिफ्थ टर्म From the beginning is equal to, निकालने के लिए r is equal to क्या पुट करेंगे हम 4, जब तो फिफ्थ बनेगा 4 प्लस 1 फिफ्थ हो गया, तो ये रखेंगे हम nc4 और a की वैल्यू ये होगी रूट 2 की पावर n माइनस 4 1 अपॉन फोर्थ रूट 3 की पावर 4 आ जाएगी। अब देखिए फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड इज इक्वल टू एन प्लस वन माइनस फाइव प्लस वन टी एच टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, ऐसा क्यों किया हमने, टोटल नंबर ऑफ टर्म एन प्लस वन होंगे, उसमें से पांच घटाएंगे और एक जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा n माइनस थ्री टी एच टर्म फ्रॉम द बिगनिंग, तो क्या हो जाएगा ये आपका हो जाएगा फ्रॉम द बिगनिंग हो गया। इट मीन्स
एन की जगह कितना रखेंगे, एन माइनस फोर। देखिए यहां पर ये देख आर आर प्लस वन इज इक्वल टू एन माइनस थ्री होना चाहिए, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एन माइनस फोर। ये आ जाएगा एन सी एन माइनस फोर, फोर्थ रूट टू की पावर, इन दोनों का डिफरेंस फोर हो जाएगा, और वन बटे फोर्थ रूट ऑफ थ्री की पावर एन माइनस फोर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस अपॉन दिस, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये हो जाएगा एन सी फोर फोर्थ रूट ऑफ की पावर एन माइनस फोर इंटू वन बटे फोर्थ रूट की पावर फोर डिवाइडेड बाई एन सी एन माइनस फोर, कितना हो जाएगा ये फोर्थ रूट टू की पावर फोर इंटू वन बटे फोर्थ रूट थ्री की पावर एन माइनस फोर इज इक्वल टू रूट सिक्स अपॉन वन। देखिए ये आपका कैंसिल हो जाएगा, एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर। अब देखिए इसे सिंप्लीफाई करना, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, टू की पावर, देखिए ये पावर घट जाएगी आपकी, घट जाएगी ना, तो क्या लिख सकता हूं उसे मैं, टू की पावर वन बाई फोर की पावर एन माइनस फोर इन टू, ये पावर ऊपर जाएगी, थ्री की पावर वन बाई फोर की पावर तो एन माइनस फोर बटे थ्री की पावर वन बाई फोर की पावर कितना हो जाएगा फोर इज इक्वल टू रूट सिक्स अपॉन वन, इससे एक पावर ये कट जाएगी। तो ये देखिए कितना हो जाएगा, टू की पावर एन माइनस एट अपॉन टू इन टू, ये कितना हो जाएगा थ्री की पावर एन माइनस फोर अपॉन फोर माइनस वन, ये पावर ऊपर चली जाएगी सिक्स की रूट टू अपॉन। इसको हम लिख सकते हैं सिक्स एन माइनस एट की पावर टू, देखिए फोर वन जा फोर तो एन माइनस एट हो गया इज इक्वल टू सिक्स की पावर वन बाई टू, बेस सेम तो पावर सेम हो जाएगी इज इक्वल टू वन बाई टू, यहाँ पर फोर है और यहाँ पर भी फोर आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा फोर, इससे इसे कैंसिल करेंगे टू हो जाएगा एन माइनस एट इज इक्वल टू टू, तो एन इज इक्वल टू टेन, दैट इज योर आंसर। नाउ सॉल्यूशन नंबर नाइन, हमें इसे एक्सपेंड करना है तो इसे लिखा जा सकता वन प्लस एक्स अपॉन टू माइनस टू अपॉन एक्स की हाफ होल पावर फोर, इसे एक्सटेंड करेंगे तो क्या लिखेंगे फोर सी जीरो एक्स अपॉन टू माइनस टू अपॉन एक्स की पावर जीरो प्लस फोर सी वन एक्स अपॉन टू माइनस टू अपॉन एक्स की पावर वन फोर सी टू एक्स अपॉन टू टू अपॉन एक्स की पावर टू फोर सी थ्री एक्स अपॉन टू टू अपॉन एक्स की पावर थ्री और फोर सी फोर एक्स अपॉन टू माइनस टू अपॉन एक्स की पावर फोर हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी वन, वन इन टू ये कितना हो गया आपका इसकी पावर जीरो वन हो गया, प्लस कितना हो जाएगा ये हो जाएगा प्लस के फोर एक्स अपॉन टू माइनस टू अपॉन एक्स प्लस ये हो जाएगा सिक्स और इसका होल स्क्वायर ओपन कर देंगे एक्स स्क्वायर अपॉन फोर प्लस फोर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस टू इंटू एक्स अपॉन टू इंटू टू अपॉन एक्स प्लस फोर सी वन की वैल्यू फोर हो जाएगी ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब
ये माइनस है यहाँ पर ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वायर बी और प्लस थ्री ए बी स्क्वायर फोर अपॉन एच की पावर थ्री। इसे फिर बाइनोमियल थ्योरम हम यहाँ पर लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा प्लस के फोर। बाइनोमियल थ्योरम हम यहाँ पर लगा रहे हैं तो फोर सी जीरो एक्स अपॉन टू की पावर फोर सी फोर है ना तो फोर सी फोर की वैल्यू तो वन होगी यहाँ पर फोर सी फोर की वैल्यू वन हो जाएगी तो ये हो जाएगा फोर सी जीरो एक्स की पावर फोर इन टू टू अपॉन एक्स की पावर जीरो फोर सी वन एक्स अपॉन टू की पावर थ्री टू अपॉन एक्स की पावर वन फोर सी टू एक्स अपॉन टू की पावर टू टू अपॉन एक्स की पावर टू फोर सी थ्री एक्स अपॉन टू की पावर वन और टू अपॉन एक्स की पावर थ्री फोर सी फोर एक्स अपॉन टू की पावर जीरो और टू अपॉन एक्स की पावर फोर। अब हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये कितना जाएगा वन प्लस इससे ये कैंसिल एक्स से ये कैंसिल हो जाएगा इससे कैंसिल टू आ जाएगा इससे ये कैंसिल हो जाएगा और इससे एक पावर तो क्या लिखेंगे इसमें वन प्लस फोर एक्स अपॉन टू माइनस टू अपॉन एक्स प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर अपॉन फोर प्लस फोर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस टू आ जाएगा प्लस फोर एक्स की पावर थ्री एट एट अपॉन एक्स की पावर थ्री प्लस थ्री अपॉन टू एक्स हो जाएगा और प्लस ये हो जाएगा आपका थ्री टू सिक्स अपॉन एक्स हो जाएगा। इसको एक साथ ले लेंगे प्लस वन बटे एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेंटी फोर अपॉन एक्स स्क्वायर ट्वेंटी फोर जो हो गया माइनस के सिक्सटीन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस माइनस थर्टी टू अपॉन एक्स की पावर थ्री और प्लस हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर आ ही जाएगा यहाँ पर और ये हो जाएगा ये भी आ गया प्लस के हो जाएगा प्लस सिक्सटीन अपॉन एक्स की पावर फोर जो वन और माइनस ट्वेल्व प्लस सिक्स तो इसे सॉल्व करेंगे हम कितना आ जाएगा ये आ जाएगा माइनस के फाइव माइनस फोर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन टू और प्लस कितना आ जाएगा एक्स की पावर फोर अपॉन सिक्सटीन प्लस सिक्सटीन अपॉन एक्स आ जाएगा और प्लस के एट अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस थर्टी टू अपॉन एक्स की पावर थ्री और प्लस सिक्सटीन अपॉन एक्स की पावर फोर दैट इज योर आंसर। नाउ सॉल्यूशन नंबर टेन देखिए बाय ए प्लस बी टू दी पावर एन इज इक्वल टू एम सी जीरो ए की पावर एन एम सी वन ए की पावर एन माइनस वन एम सी टू ए टू दी पावर एन माइनस टू बी की पावर टू एन की वैल्यू क्या होगी थ्री। इतने को हमने ए मान लिया इतने को बी मान लिया
तो ये कितना हो जाएगा, थ्री एक्स स्क्वायर टू ए एक्स प्लस थ्री ए स्क्वायर की पावर थ्री, थ्री सी जीरो, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू ए एक्स की पावर कितना आ जाएगा, थ्री प्लस थ्री सी वन, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू ए एक्स की पावर टू, थ्री ए स्क्वायर प्लस थ्री सी टू, थ्री एक्स की पावर टू, टू ए एक्स की पावर वन, थ्री ए स्क्वायर की पावर टू हो जाएगा और प्लस आ जाएगा यहाँ पर थ्री सी थ्री, थ्री एक्स स्क्वायर टू ए एक्स की पावर जीरो, थ्री ए स्क्वायर की पावर थ्री हो जाएगी। ये थ्री हो गया, फिर ये टू, ये वन, ये टू और ये जीरो। इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू वन हो जाएगी। इसकी होल क्यूब खोलेंगे तो 27x की पावर 6 माइनस 8a की पावर 3x की पावर 3, 3a स्क्वायर भी माइनस, तो 3 इंटू 3x स्क्वायर का स्क्वायर इंटू 2ax हो जाएगा और प्लस के हो जाएगा 3, 3x स्क्वायर इंटू 2ax हो जाएगा। इसे हमने होल क्यूब यहां पर ओपन कर दिया। अगेन ये आ जाएगा थ्री और इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये नाइन ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स ए की जो सब होल स्क्वायर है यहाँ पर, तो हम पहले इसे ओपन करेंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा थ्री नाइन एक्स की पावर फोर, फोर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स टू जब ट्वेल्व ए एक्स की पावर थ्री और थ्री ए स्क्वायर आ जाएगा। अगेन ये थ्री सी वन, इसकी वैल्यू भी थ्री होगी और ये हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू ए एक्स इंटू हो जाएगा नाइन ए की पावर फोर। सॉल्व करते हैं इसे, एट ए स्क्वायर एक्स की पावर थ्री 54 ए एक्स की पावर 5 प्लस हो जाएगा 18 ए एक्स की पावर 3 प्लस 9 81 3 3 जा 9 81 ए स्क्वायर एक्स की पावर 4 9 4 जा माइनस 81 ए की पावर 4 एक्स स्क्वायर 54 ए की पावर 5 एक्स, तो इसको हम सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 27 ए की पावर 6 माइनस 54 ए एक्स की पावर 5 प्लस 117 ए स्क्वायर एक्स की पावर 4 116 ए स्क्वायर एक्स की पावर 3 और प्लस 117 ए की पावर 4 एक्स स्क्वायर 54 ए की पावर 5 एक्स आ जाएगा और प्लस 27 ए की पावर 27 एक्स की पावर 6 है, तो 27 एक्स की पावर 27 ए टू की पावर 6, तो ये यहाँ पर 27 एक्स की पावर 6 है, तो 27 एक्स की पावर 6 होगा तो लास्ट में 27 ए टू की पावर 6 होगा। इन सब की पावर प्लस करके देख लो, ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6 और ये भी 6 हो जाएगा। ए की पावर यहाँ पर बढ़ती चली जाएगी और एक्स की पावर डिक्रीज होती चली जाएगी। प्लीज मैं कहता हूँ।
तो प्यारे बच्चों आपकी डिमांड पर चैप्टर नंबर 8 बाइनोमियल थ्योरम सारे क्वेश्चन कंप्लीटली इजीली सॉल्व करके उनकी वीडियो बनाकर प्लेलिस्ट में डाल दी गई है, आप वहां पर जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। प्यारे बच्चों आपकी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, अपने प्यारे दोस्तों को शेयर करें। So I hope you like this video and that what I have told you must have understood well. Thank you for watching the video. Please like, share and subscribe. Jai Hind, Jai Bharat.